2022 में एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है आज की इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपका भी अभी तक पासपोर्ट नहीं बना है ना तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कैसे आप एक नया पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे एक पासपोर्ट बनवाने के लिए वह भी बताऊंगा, एंड अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो क्या आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो बस आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। दोस्तों एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा। इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पे क्लिक करके डायरेक्टली आप यहां पे आ सकते हो। यहां पे आके दोस्तों आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके सबसे पहले आपको यहां पे रजिस्टर करना है। तो उसके लिए यहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक कर देना है। नीचे दोस्तों आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है। आप किस सिटी में रहते हो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हर एक सिटी का नाम, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं जैसे कि मुंबई से हूँ तो मैं मुंबई सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे गिवन नेम दिया गया है, इसमें दोस्तों आपको अपना फर्स्ट नेम साथ में मिडल नेम ये दोनों ही यहाँ पे आपको डालना है गिवन नेम में, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे जो है अपना सरनेम डालना है, यहाँ पे आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपको अपना सरनेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेना है, ईयर एंड मंथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो ये आपका ईमेल आईडी लॉगिन आईडी बने, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो, तो उसके लिए बस आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे लॉगिन आईडी में आपका ईमेल आईडी आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना एक पासवर्ड सेट करना है, यहाँ पे आप कोई भी हार्ड पासवर्ड सेट कर लीजिए। उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पे डाल के कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद दोस्तों बस आपको करना क्या है, एक हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ताकि पासवर्ड वगैरह रिकवरी करने में आपको आसानी हो। तो यहाँ पे कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए क्वेश्चन, जैसे कि हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, एंड उसका हिंट का जो आंसर होगा वो आपको दोस्तों यहाँ पे नीचे डाल देना है। उसके बाद बस आपको ये जो कैप्चा दिया गया है इसे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही दोस्तों आप सक्सेसफुली यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपके ईमेल आईडी पे एक लिंक भेजा जाएगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए इस टाइप का। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद नीचे आना है, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको इसे थोड़ा सा जूम कर लेना है, एंड यहाँ पे इंटर यूजर आईडी बोलेगा तो आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना है। सबमिट करते दोस्तों ये सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा आपका अकाउंट। अब एक्टिवेट होने के बाद वापिस से आपको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे दोस्तों आपको एग्जिस्टिंग यूजर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी डालना है लॉगिन आईडी में, ईमेल आईडी डाल के कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करोगे अब आपको अपना पासवर्ड डालना है जो आपने सेट किया था, एंड ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर लेना है। फिलअप करके आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन हो गए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए आपको दो ऑप्शन आते हैं। एक तो पहला जो ऑप्शन है ये ऑनलाइन का है, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑफलाइन का मोड भी दिया गया है, फॉर्म को डाउनलोड करके आप फिलअप करके उसे अपलोड कर सकते हो। तो हम ऑनलाइन करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम अपना स्टेट चूज कर लेते हैं, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद ऑटोमेटिक नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप री इश्यू कराना चाहते हो तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन में चूज करना है, नॉर्मल में बनवाना है या फिर तत्काल में। तो मैं बोलूंगा इसे आप नॉर्मल ही रखिए, ठीक है, आराम से बन जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको पेजेस सेलेक्ट करना है, तो 36 के ऊपर क्लिक कर दो, एंड यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल डालनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंड मिडल नेम डालना है। मिडल नेम नहीं है तो सिर्फ फर्स्ट नेम डाल दीजिए, एंड नीचे दोस्तों आपको अपना सरनेम डालना है। सरनेम नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको किसी और नाम से जाने जाते हो तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे दोस्तों नो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद अगर आपने कभी अपना नाम चेंज करवाया था तो आपको यहाँ पे यस या फिर नो सिलेक्ट करना है, तो मैं इसे नो कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है।
उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है तो यस या फिर नो कर सकते हो। हमारा तो भैया इंडिया में ही हम जन्म लिए थे तो इंडिया में है तो फिर नो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, आपका जन्म कहाँ पे हुआ था उसका नाम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपका जन्म हुआ था उसका स्टेट वगैरह आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको अपना डिस्ट्रिक्ट डाल देना है तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। ये सब दोस्तों आपको प्लेस ऑफ बर्थ का डालना है। एंड यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस चूज करना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप जन्म से ही इंडिया में रहते हो तो आपको इसे बर्थ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है। एंड अगर आपके पास पैन कार्ड बन गया है आपका तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, नहीं बना है तो आप ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद यहाँ पे अगर वोटर आईडी कार्ड बना है तो उसका नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद नीचे आओगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज करना है कि आप क्या करते हो। यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड है तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि आपके घर में कोई भी आपके पेरेंट्स वगैरह गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो यस या फिर नो सेलेक्ट कर सकते हो, तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, आपने कितना स्टडी करी है, सेवेंथ पास हो, टेंथ पास या फिर अबाव जो भी हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे टेंथ पास एंड अबाव के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ईसीआर एंड नॉन ईसीआर का पूछा जाता है। यहाँ पे काफ़ी बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अपने पासपोर्ट के साथ टेंथ का मार्कशीट अटैच कर रहे हो तो दोस्तों आप नॉन ईसीआर की कैटेगरी में आओगे तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। यहाँ पे आपका जो एजुकेशन दिया गया है यही मेन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने दोस्तों नॉन ईसीआर यानी कि यस के ऊपर सेलेक्ट कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। एंड यहाँ पे ये वाला जो कॉलम दिया गया है ना, ये पता नहीं क्यों दिया गया है, कोई काम का है नहीं, इसे ब्लैंक छोड़ दो। एंड यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, आपके आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। एंड उसके बाद दोस्तों नीचे आना है, नीचे यहाँ से आपको एग्री करना है, यस के ऊपर क्लिक करना है। ये सब करने के बाद बस आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की डिटेल डालनी है, जिसमें आपको अपने पिताजी का फर्स्ट एंड मिडिल नेम ऊपर डाल देना है, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड उनका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने माता जी का फर्स्ट एंड मिडिल नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उनका जो सरनेम है वो आपको नीचे डाल देना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर आप किसी और गार्जियन की डिटेल देना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे नीचे दे सकते हो, नहीं तो ये कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। और उसके बाद आपको दोस्तों करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस की डिटेल डालनी है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है तो आप यहाँ से यस या फिर नो सेलेक्ट कर सकते हो, तो हमने इसे नो कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम जो है वो इस कॉलम में पूरी डिटेल के साथ डाल देनी है। उसके बाद नीचे आपको विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके नीचे आपका जो स्टेट है एंड डिस्ट्रिक्ट है ये ऑटोमेटिक आ जाता है। अब आपको यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे भी आपका पुलिस स्टेशन है वो सिलेक्ट कर लीजिए। एंड यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना है, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ये सब आपको अपना डालना है। टेलीफोन नंबर है तो डाल दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद नीचे दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी भी डालना है, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए। एंड नीचे दोस्तों अगर आपके पास कोई और परमानेंट एड्रेस है तो आप यहां से यस या फिर नो सेलेक्ट कर सकते हो, तो हमारा यही है तो हम नो के ऊपर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद बस ये सब डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पे दोस्तों आपको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डालना है, किसी बंदे का आप यहाँ पे नाम एंड एड्रेस डाल दीजिए ताकि इमरजेंसी में उसे से कॉन्टैक्ट किया जा सके, ठीक है। यहाँ पे आप डाल सकते हो उसका मोबाइल नंबर, आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद अगर उसके पास टेलीफोन नंबर है तो वो भी दोस्तों आप यहां से डाल सकते हो। एंड उसका ईमेल आईडी आपको यहां पे डाल देना है। ये सब डालने के बाद नेक्स्ट करना है। जैसे दोस्तों आप यहां पे नेक्स्ट करते हो, अब यहां पे आइडेंटिफाई सर्टिफिकेट पासपोर्ट के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ये ऑटोमेटिक नो के ऊपर सिलेक्ट रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसे आपको चेंज नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि आपने कभी डिप्लोमेटिक ऑफिशियल पासपोर्ट होल्ड करी है तो उस सब के बारे में बता दीजिए, तो डिटेल्स नॉट अवेलेबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और इश्यू नहीं हुआ तो यस या फिर नो कीजिए, तो हम यहाँ पे नो कर देते हैं एंड नेक्स्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना आपसे कुछ अदर डिटेल पूछी जाती है, जिसमें ये पूछा जाता है कि आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कभी एफआईआर तो नहीं हुआ था, आपके ऊपर कोई कंप्लेंट तो नहीं है, आपके ऊपर कोई कोर्ट ने मीन्स
कुछ अलग चीज़ें तो नहीं केस वगैरह लगा है, तो ये सब दोस्तों आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट जैसे ही आप करोगे यहाँ पे दोस्तों आपका पासपोर्ट का जो डिटेल्स है वो शो होने लगेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आपका नेम वगैरह सब कुछ रहेगा, एड्रेस रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों आपका फोटो, यहाँ पे सिग्नेचर, सब कुछ ऐसा रहेगा। तो बस ये सब देखने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करोगे, अब आप इस वाले पेज पर आओगे, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन आपसे मांगा जाता है, जिसमें सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ बर्थ देना है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके अपना एक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, एंड ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी है वो दे दीजिए। तो हम यहाँ पे पैन कार्ड के ऊपर क्लिक करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक एड्रेस प्रूफ देना है। एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या दे सकते हो वो आप यहाँ पे देख लीजिए, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आधार कार्ड दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे वोटर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट एंड बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मिल जाते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसे आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे दोस्तों दे देता हूँ अपना आधार कार्ड। ठीक है, इसे आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद दोस्तों अगर आप चाहते हो कि बाय SMS आपको पासपोर्ट की सभी अपडेट मिलती रहे, तो आपको ये जो सर्विस दिया गया है इसे यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। अब आपके मोबाइल नंबर पे बाय SMS सभी चीज़ें मिलेंगी। अब नीचे दोस्तों आपको यहाँ पे प्लेस में अपना डाल देना है, जो भी एरिया में आप रहते हो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। इसे आपको एग्री करना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट फॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको दोस्तों यहाँ पे एक एप्लीकेशन यानी कि जो रेफरेंस नंबर होता है वो यहाँ पे जनरेट हो जाता है, जिसकी आप फोटो क्लिक करके आप ही ऐसे ही कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, बैक आना है एंड यहाँ पे अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है एंड आपको जाना है दोस्तों पेमेंट करने, क्योंकि पेमेंट बहुत जरूरी है। और पेमेंट कितने का करना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट का मेथड चूज करना है, ऑनलाइन पेमेंट एंड उसके बाद यहाँ पे चालान पेमेंट दिया गया है, तो हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी डिटेल आएगी, तो आपको इसे वेरीफाई करके नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे दोस्तों आपको अपना लोकेशन चूज करना है। ठीक है, आपको अपना जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का लोकेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके एरिए के जो पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है एंड ये कैप्चा यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे ऐसी इंटरफेस आएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको टोटल 1500 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1500 रुपये का पेमेंट करना है। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि आपको एक डेट सेलेक्ट करना है, जिस डेट को आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे ये जो रेड वाले हैं ये नॉट अवेलेबल है एंड जो ग्रीन वाले हैं ये अवेलेबल है। तो यहाँ पे कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये सिलेक्ट करने के बाद बस दोस्तों आपको यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर क्लिक करना है, ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपके सामने पेमेंट पेज आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे पेमेंट कर देना है 1500 रुपये का। ठीक है, आप यहाँ से नेट बैंकिंग, UPI, जो भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। पेमेंट करते ही दोस्तों आप यहाँ पे आ जाओगे। अब आपको अपनी फाइल को सिलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर। अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप चाहो तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, लेकिन ये जरूरी नहीं होता, तो इसे आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे अपलोड करो, तो ये सब मैं बोलूंगा मत करो। अब आपको करना क्या है, यहाँ से अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है एंड यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके ना आपको ये जो एप्लीकेशन रिसिप्ट है इसे प्रिंट आउट कर लेना है। अभी हमारा जो पेमेंट है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नॉट पेड लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि ये हम एक डेमो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो यहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल, अपॉइंटमेंट ID, अपॉइंटमेंट नेम, सब कुछ यहाँ पे आपको शो होगा। तो इसे आपको प्रिंट आउट करवा लेना है। प्रिंट आउट करवाने के बाद दोस्तों आप इसे ओके करोगे ना, तो यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है ना तो आप इसे PDF में सेव भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे PDF में सेव कर सकते हो, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इसे PDF में सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसे जाके आपके नियर बाई कोई भी शॉप होगा वहाँ से इसे प्रिंट आउट निकलवा लेना है, क्योंकि ये जरूरत है। इसकी जब आप जाओगे ना पासपोर्ट सेवा केंद्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको इसे लेके जाना है, इसे ले लेना है। उसके बाद आपको अपना पैन कार्ड ले लेना है, आधार कार्ड ले लेना है, उसके साथ साथ जो जो डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट किया था वो सब आपको ले लेना है। लेने के बाद आपको जाना है पासपोर्ट सेवा केंद्र, वहाँ पे जाओगे तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। एंड याद रखना अगर आप 10th पास हो तो आपको 10th की मार्कशीट जरूर कैरी करनी है। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है आपका 14 से 15 दिन के अंदर,
पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो भी जैसे ही कंप्लीट हो जाता है 7 से 8 दिन में बाय पोस्ट दोस्तों आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।